बिग बॉस 16 की शुरुआत से दर्शकों को एंटरटेन करने वाले शिव ठाकरे शो के बाहर भी चर्चा में बने हुए हैं। शिव भले ही रियलिटी शो जीत ना पाए हो, लेकिन वो एक एक करके लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के साधारण परिवार से आने वाले शिव ठाकरे आगे बढ़ने के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने चमचमाती टाटा हैरियर खरीदी है, जिसकी कीमत 30 लाख के करीब है। टाटा की इस शानदार कार के मालिक बनने के बाद अब शिव ठाकरे ने एक और उड़ान भरी है। बिग बॉस 16 रनर अप ने अपना नया बिजनेस शुरू किया है। शिव ठाकरे ने ठाकरे चाय एंड स्नैक्स के नाम से नया रेस्टोरेंट खोला है, जिसे उन्होंने बुधवार को लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की। शिव ठाकरे के रेस्टोरेंट लॉन्च पर दिग्गज भारतीय क्रिकेटर कपिल देव भी पहुंचे। शिव ने बातचीत में बताया कि पहले वो अपने रेस्टोरेंट को मुंबई और पुणे में खोलेंगे, इसके बाद अपने होम टाउन अमरावती में भी एक फ्रेंचाइजी स्टार्ट करेंगे। शिव ठाकरे ने बताया कि उन्होंने हाल ही में एक स्कूटी खरीदी है, जिसे उन्होंने अपने पिता को गिफ्ट की है। ई टाइम्स की खबर के अनुसार शिव ने कहा, मेरे पेरेंट्स को मुझ पर गर्व है, लेकिन उनकी एक ही शिकायत है कि मैं उनसे मिल नहीं पा रहा हूँ। मेरी माँ फ़ोन और वीडियो कॉल के जरिए मुझसे बात करती रहती है, लेकिन मेरे पिता के साथ ठीक से बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो मेरी माँ बात करने आ जाती है। उन्होंने आगे कहा, मैं अपने पिता को एक स्कूटी गिफ्ट करके सरप्राइज दिया है, उन्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैंने ये अपनी बहन की मदद से किया और मेरा परिवार खुश है कि अच्छी चीज़ें आखिरकार हो रही है। जब भी लोग मेरे परिवार से मिलते हैं तो मेरी तारीफ करते हैं और ये बात मुझे गर्व महसूस करवाती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।